आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने के लिए। अरे यही जड़ है भाई, आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या हैं? ना पढ़ने की, एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए, और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आपको कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है, एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, असली कहानी कुछ और है। तो वजह चाहिए, वजह क्यों चाहिए? आप इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो और खो गए हो, रास्ता भूल गए, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, क्या होगा ऐसे में? प्यास से तड़प रहे होगा ना, इमेजिन करो उस सिचुएशन को, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, कि दो दिन हो गए हैं आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, भागे जा रहे हो इधर से उधर, चले जा रहे हो, हिम्मत नहीं है, बुरी हालत हुई पड़ी है और मरने लायक हालत है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी, कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए, सिर्फ एक बूंद मिल जाए कहीं से पानी की, वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, बुरी हालत हुई पड़ी है, उस वक्त आप क्या करोगे, क्या पियोगे? टॉयलेट पियेंगे, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, जो भी लोगों के साथ में ये चीज हुई है उनके एक्सपीरियंसेस जाकर के आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। टॉयलेट जिसको हम वेस्ट समझते हैं, वो भी एक एक बूंद उसकी भी कीमती हो जाती है, जो आप में से कोई अभी सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। अभी कोई यहां से बाहर जाकर के अपना टॉयलेट पिएगा? कोई है तैयार है? एनीबॉडी? कोई नहीं। क्यों? कोई वजह ही नहीं है, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन। क्यों पिए भाई, मैं पागल हूं क्या? हाँ मैं पागल हूं जाकर के जबरदस्ती अपना टॉयलेट पीऊं? लेकिन अगर वो वजह बड़ी हो तो आप पानी क्या खून भी पी जाओगे। सारा खेल वजह का है, पर्पस का है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या कोई डिस्ट्रैक्शन होगी? यस और नो? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपका सिर्फ एक गोल होगा, वो होगा पानी और कुछ भी नहीं। इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए, बर्निंग डिजायर। क्यों? क्योंकि रियलिटी क्या है, पहले हमको रियलिटी को समझना है, हम रियलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। रियलिटी क्या है कि अगर आपके पांच सब्जेक्ट्स हैं तो ज्यादातर जो यहां पर स्टूडेंट्स हैं उनको पांचों ही पसंद नहीं होंगे, रियलिटी है। यस और नो? देख लो कितने सारे लोगों की आवाजें आई है। ज्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोग होंगे जिनको उन पांच में से एक या दो सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे, कुछ लोग, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा जिसको पांचों अच्छे लगते होंगे। तो खेल क्या है? खेल क्या है कि जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें मजा आता है, वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें तो आप मार्क्स ले आओगे, लेकिन बाकी के वो सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो टॉर्चर लगते हैं, उसमें मार्क्स कैसे लाओगे? उसको पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे? आप बहाने बनाओगे, अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है कि आपको पांचों सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे चाहो या ना चाहो। कितना खतरनाक है देखो। क्या करोगे? है कोई और ऑप्शन? अगर पांच में से आप दो में टॉप कर गए और तीन में फेल हो गए तो क्या होगा? बाहर? फेल? तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो कैसे करोगे?
कैसे करोगे? सोचो, थिंक अबाउट इट। मैं आज माइंड की बहुत ही गहराई में जाने वाला हूं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको लोग सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर आकर के हावी हो जाता है और हमसे वो करवाता है जो हमें पता है कि हमारे लिए करना गलत है, लेकिन फिर भी हम करते चले जाते हैं और खुद फंसते चले जाते हैं। और एक दिन जब पूरी तरह से फंस जाते हैं तब बहुत देर हो जाती है, उससे हम चाह करके भी बाहर नहीं आ पाते। वो एडिक्शंस हमको इस तरीके से पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं कि हम फंस जाते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमें सिर्फ इस लाइफ को ऑब्जर्व करना है और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्यूटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए, कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता रहे। इसको रिलेट करते जाना पढ़ाई से, जो मैं चीज बोल रहा हूं कि आपके पास में दो ऑप्शंस है। एक तरफ है कि YouTube पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके। नो पेन नो गेन। इट्स अ पैराडॉक्स, एक पूरा का पूरा जाल है। इस जाल को काटना है किसी तरीके से, इस जाल में से निकलना है। एक भूल भुलैया है ये। आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है मजा सब उसी में है। हमारा ये जो माइंड है ना, ये घोड़े के जैसा है। इमेजिन करो, एक घोड़ा है बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि वो उठा करके 10 लोगों को इधर उधर फेंक दे, इतनी पावर है उसके अंदर। और आपको जबरदस्ती बिठा दिया गया है उस घोड़े के ऊपर, वो क्या है? आपका माइंड। और वो घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, उसका जहां मन कर रहा है वहां जा रहा है, ये आपका माइंड है। घोड़े से रिलेट करना मतलब वो जहां जा रहा है, जहां उसका मन कर रहा है वहां भाग रहा है। कभी यहां गया, कभी वहां गया, कभी टक्कर मारी, कभी जा करके खाई में गिर गया, कभी यहां कभी वहां, और आप बैठ करके चीखे जा रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए? लगाम चाहिए। अपना माइंड विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक लगाम चाहिए, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा आपकी जिंदगी को, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ले जाएगा। और अगर आप आंख खोल के देखोगे तो आपको ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो जा रहे हैं ऐसी डायरेक्शन में, जिनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हम करते क्या जा रहे हैं। धसते ही जा रहे हैं नीचे, धसते ही जा रहे हैं, ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, और एक दिन इतनी देर हो जाती है कि वो चाह करके भी नहीं उठ पाते। तो हो क्या रहा है? आपको लगाम चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो लगाम क्या है? उसको आप वजह कहो, उसको आप बर्निंग डिजायर कहो किसी काम को करने का। जैसे ही कोई वजह आई जीने की, वजह आई उस काम को करने की, तो माइंड अपनी सारी की सारी पावर्स को इकट्ठी करके उस एक डायरेक्शन में लगा देगा। तो जुनून चाहिए, कोई फितूर चाहिए, अंदर से चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तभी तो वो घोड़ा भागेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। आपके माइंड को डायरेक्शन कौन देगा? आप ही दोगे। आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, उसको बीच में लाना पड़ेगा उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लगाम है आपके माइंड की। इंटेलिजेंस के बेस पे आप क्या कर सकते हो? आप कमिटमेंट कर सकते हो, आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे सकते हो कि ये वजह है मेरी इस काम को करने की, मैं इसको करके ही रहूंगा हर हाल में। कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं ये इस वजह से नहीं कर पा रहा, उस वजह से। एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं जिनके पास में कोई वजह ही नहीं है उस काम को करने की। दे डोंट हैव अ रीजन टू डू इट, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग एक्सक्यूजेस। और उनको गलतफहमी ये हो गई, वो एक्सक्यूज किसी और को दे रहे हैं, वो खुद को ही दे रहे हैं एक्सक्यूजेस। जिंदगी उनकी खराब हो रही है एक्सक्यूजेस दे दे करके, उनकी आदत पड़ती जा रही है।
हर चीज़ में एक्सक्यूज देने की, ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धर 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 धर, ये मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा, धर 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 धर। मान लिया हजार वजह हैं जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। क्या एक्सक्यूज दे रहे हो?